नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 4 मार्च गुरुवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आर के निवास, आर के होम्स एवं आर के क्लब एवेन्यू। की अपार सफलता के बाद आर के डेवलपर्स लाए हैं आर के निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आर के निवास SR पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। टाटा के गड्डू ने एक बार फिर एक जिंदगी को निगल लिया है। बीते 4 दिन के भीतर टाटा कंपनी की लापरवाही की वजह से मौत का ये दूसरा मामला सामने आया है। नागजीरी में रहने वाला 24 वर्षीय पंकज पिता पदम सिंह परमार 2 दिन पहले ऋषिनगर से घर लौट रहा था। इसी दौरान RTO के पास लाइन डालने के लिए खुदी पड़ी सड़क से असंतुलित होकर वो गिर पड़ा। दुर्घटना में पंकज का सिर डिवाइडर से जा टकराया। गंभीर हालत में पंकज को माधव क्लब रोड स्थित तेजनकर हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां 2 दिन जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद पंकज जिंदगी की जंग हार गया। 4 दिन पहले भी शीर सागर में रहने वाले युवा वकील अक्षय शर्मा की टाटा के चैम्बर से असंतुलित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया था। दुर्घटना इतनी तेज थी कि अक्षय को चंद कदमों की दूरी पर संचालित जिला अस्पताल तक ले जाने का मौका तक नहीं मिल पाया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अक्षय की मौत के बाद टाटा कंपनी के खिलाफ अभिभाषक संघ ने मोर्चा खोल दिया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसी बीच टाटा की लापरवाही का शिकार पंकज भी हो गया। उज्जैन रोड पर इटावा के पास रानी बाग में मां दुर्गेश्वरी मंदिर परिसर में संगीतमय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक महिला चोर गिरोह कथा में महिलाओं के बीच घुस गया। कथा में शामिल महिलाओं के मंगलसूत्र और सोने की चेन झपट कर भागने लगी, लेकिन महिलाओं ने रंगे हाथ पकड़ लिया और जमकर धुनाई कर दी। इधर सिविल लाइन्स थाना पुलिस को भी सूचना देकर मौके पर बुलवाया गया। तब तक महिला चोर की खूब खातिरदारी भी की गई। दरअसल इटावा के पास रानी बाग में मां दुर्गेश्वरी मंदिर परिसर में भागवत कथा चल रही थी। भागवत कथा के 4th दिन भगवान कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। शाम करीब 5 बजे महिला चोर गिरोह कथा में घुस गई और महिलाओं के मंगलसूत्र और सोने की चेन चोरी कर लिए। महिलाओं ने चोर गिरोह की महिलाओं को चेन और मंगलसूत्र चोरी करते वक्त पकड़ लिया। साथ ही महिला चोर गिरोह के सदस्यों की कथा में शामिल महिलाओं ने जमकर धुनाई भी कर दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और महिलाओं को थाने पर ले गई। पुलिस ने 11 महिलाओं को पकड़ा है। रानी बाग में जो कथा चल रही थी, कृष्ण जन्मोत्सव था वहाँ पर, सारी महिलाएं बहुत उत्साहित थी। और जैसे ही कृष्ण भगवान का आगमन हुआ, सारी महिलाएं भगवान के ऊपर फूल फेंकने जब लगी, जब वो सारी गैंग जो थी वो पहले से जो बैठी थी वहाँ पर, उन्होंने खटाखट खटाखट सब के मंगलसूत्र रेजर पत्ती उनके पास से बरामद हुई है। हम जैसे ही उसने तोड़ा और मेरी बहन ने जैसे किया, मेरा मंगलसूत्र टूटा, वैसे ही मैंने मेरी बहन को नहीं पकड़ा और उसकी चोटी पकड़ी। एक महिला की चोटी मैंने पकड़ी, एक महिला की चोटी मेरी बहन ने पकड़ी। ये हमारी बहन है, पांचाल समाज के हमारे 4 मंगलसूत्र गए हैं और ये भी हमारे कॉलोनी की सारी महिलाएं हैं और वो 2 महिलाओं को हमने पकड़ा। टोटल 7 गए हैं जिसमें से एक मिल चुका है और वो महिलाएं 11 पकड़ में आई है। पकड़ में तो 2 ही आई थी, लेकिन 2 की फिर हमने जो धुलाई और आरती उतारी है कृष्ण जी के साथ, उनकी भी आरती उतारी, जब फिर सारी महिलाएं उनके साथ जा रहा था, बच्चे वगैरह भी थे, बच्चे थे, लेकिन बच्चे एकदम से भाग गए। मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि उन्हें तोड़ तोड़ के बच्चों की तरफ फेंके और बच्चे ले लेके भाग गए। रानीबाग में भागवत कथा चल रही थी, आज 4th दिवस था और उसी समय कृष्ण जन्मोत्सव के समय हमारे यहाँ पर जो 7 महिलाएं हैं उनके गले से चेन निकाल ली गई है और वहाँ पर हमने 11 महिलाएं भी वहाँ पर से संदिग्ध अवस्था में मिली है, जिनको थाने लेकर के अभी आए हुए हैं।
कितनी महिलाओं की चेन? 7 महिलाओं की चेन स्कैनिंग हुई है, और इसके पहले हम 2 दिन पहले यहाँ पर आवेदन दे चुके थे, क्योंकि यहाँ पर से उसी स्थान पर से साउंड का मिक्सर भी चोरी गया था और यहाँ पर आवेदन दिया था। उसके बाद अभी तक 2 दिन हो गए हैं, उसके बाद हमें यहाँ पर कोई भी कार्रवाई करने नहीं आया। एक जो भागवत कथा का आयोजन चल रहा था, उसी में कुछ बाहरी महिला तत्व जो है चोर गिरोह है वो प्रवेश कर गया था, और उन्हें वहाँ पर जो महिलाएं भागवत कथा सुन रही थी उनके गले से उनका जो है, जब वो कथा सुनने में अपना व्यस्त थी तब मौका पाके गले की चेन चोरी कर ली थी, जो बाद में एक महिला को संदेह होने पर उनके द्वारा पूछताछ करने पे पाया गया कि यहाँ एक पूरी गैंग है, और गैंग को इस प्रकार से वहाँ फिर पुलिस के द्वारा पहुँच कर उनसे पूछताछ की जा रही है, और इसमें पुलिस प्रकरण कायम करके विवेचना कर रही है। सर, ये गैंग में कितनी महिलाएँ? अभी ये 11 महिलाएं पकड़ी हैं, कुछ महिलाएं इनके और पुरुष इनके साथ के हो सकते हैं, जो वहां से मौके से फरार होने की संभावना है। तिलकेश्वर महादेव मंदिर तराना की ग्राम बागोदा स्थित लगभग 72 बीघा जमीन का अवैध कब्जा हटाया गया। इस दौरान तिलकेश्वर महादेव मंदिर के संत और तहसीलदार डीके वर्मा मौजूद रहे। पूर्व में भी डॉक्टर प्रकाश नंद भारती मंदिर के पुजारी को उक्त कब्जा सौंपा गया था, लेकिन ग्राम के ही लोगों ने पुनः अतिक्रमण कर लिया था, जिसके चलते उन्होंने फिर से शिकायत की थी। कार्रवाई के दौरान SDM एकता जायसवाल ने सभी अतिक्रमणकर्ताओं को ये बताया कि उक्त मंदिर शासन संधारित मंदिर है और कलेक्टर व्यवस्थापक के रूप में दर्ज है, क्योंकि मंदिर तराना में स्थित है। ऐसी दशा में वो भविष्य में किसी प्रकार का कोई कब्जा इस भूमि पर ना करे। काम की तलाश में सराय जा रहे मजदूर को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मालनवासा में रहने वाले 40 वर्षीय कमलेश महिवाल सुबह काम की तलाश में घास मंडी चौराहे स्थित सराय पर जा रहे थे। इसी दौरान भरतपुरी मोड़ पर अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। दुर्घटना में घायल कमलेश को प्रत्यक्षदर्शियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया। मामले में माधवनगर थाना पुलिस जांच कर रही है। ये मजदूरी करता है, कमल महिवाल करके नाम है इसका, हमारा भांजा है। देवा घर से मजदूरी करने के लिए निकला था, देवास रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो हमारे को खबर मिली कि हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हम आए हैं। देवास के टोंक खुर्द न्यायालय परिसर से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को न्यायाधीश शिव चरण पटेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली न्यायालय परिसर से प्रारंभ होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंची। शिविर में न्यायाधीश पटेल ने कहा कि आयुष्मान भारत जागरूकता रैली का मुख्य उद्देश्य शासन की इस योजना का प्रचार प्रसार करना है, जिससे कि आयुष्मान भारत योजना के कार्ड का लाभ सभी प्राप्त कर सके। आयुष्मान कार्ड के निर्माण में 100% उपलब्धता हेतु 1 मार्च से 31 मार्च तक गांव-गांव में आपके द्वार आयुष्मान माह का आयोजन किया जा रहा है। कालिदास अकादमी में 5 दिवसीय संगीत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के ख्यात कलाकार प्रशिक्षण दे रहे हैं। माधव संगीत महाविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर विनीता महोरकर ने बताया कि 1-5 मार्च तक कालिदास अकादमी में संगीत कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तबला, कत्थक, हारमोनियम और धूरपद गायन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला के दौरान पुणे के पंडित अरविंद आजाद तबला, भोपाल सुश्री कल्पना वाजपेयी कत्थक, उज्जैन के डॉक्टर विवेक बंसोड़ हारमोनियम, ग्वालियर के अभिजीत सुगदाणे धुरपद गायन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रतिदिन सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक के बीच प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 80 से अधिक छात्र छात्राएं प्रशिक्षण ले रहे हैं। ये जो थोड़ी सी जो रिवाज हमारे बदलते चले जा रहे हैं, तो ये हम ही लोगों की जिम्मेदारी भी है, ये रिवाज जो है ना, ये गहन शिक्षा है। ये गहन शिक्षा का एक ऐसा कह लीजिए एक टेलर है। फिल्म देखने जाते हैं ना, तो एक दूसरी फिल्म के बारे में ये बच्चों को पता लग जाए कि ऐसी ये विधाएं हैं और ऐसे ये गुरु लोग हैं, अगर आप चाहें तो इनसे शिक्षा प्राप्त कर लें। तो ये तो मार्ग इन्होंने बनाना शुरू किया है, अभी तो ये सड़क बनी भी नहीं है। 1-5 मार्च 2021 के मध्य ये 5 दिवसीय कार्यशाला भी है आयोजित की जा रही है, और सुबह 10 से 12 और शाम 3 से 5 ये हम 2 घंटे का प्रशिक्षण, हमारे विषय विशेषज्ञ
हमारे बीच संस्कृति संचालनालय के माध्यम से की जा रही है और लगभग 80 से 90 बच्चे रोज आ रहे हैं और सुबह शाम नियमित अपनी उपस्थिति देकर बड़े उत्साह और तन्मयता से सीख रहे हैं। किन विधाओं में यहाँ शिक्षण दिया जा रहा है या कहाँ कहाँ से गुरु सिखाने दिए? कथक के लिए भोपाल से ही हमारे बीच रायगढ़ घराने की श्रीमती अल्पना बाजपेयी मैडम है और ध्रुपद के प्रशिक्षण के लिए ग्वालियर से हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अभिजीत सुल्ताने और तबले के लिए प्रसिद्ध तबला वादक पुणे से हमारे बीच उपस्थित हैं श्री अरविंद पंडित अरविंद आजाद जी और हारमोनियम के लिए हमारे ही उज्जैन की प्रतिभाशाली कलाकार डॉक्टर विवेक मंसूर जो हमारे आपने देखा अभय न्यूज का आज का हमारा बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।